इरशाद अहमद मुगल पिछले चार दिन से लापता है। कल अरूस कुपवाड़ा का रहने वाला है। श्रीनगर बिमना में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम कर रहा था, लेकिन पिछले चार दिन से लापता है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फैमिली बहुत परेशान है और उम्र 22 साल बताई जा रही है। जिस शॉप पे काम कर रहा था वहाँ से ये बताकर निकला कि मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, लेकिन जब दोस्त से रब्ता किया तो दोस्त ने ये कहा कि इरशाद मेरे पास नहीं आया है, बल्कि इरशाद पिछले 3 से 4 दिन से जो है वो लापता है और इरशाद का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि इरशाद की जो कंप्लेंट है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दायर भी कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इरशाद की फैमिली बहुत परेशान है और अभी हमसे फ़ोन पर रब्ता करते हुए ये कहा कि हमारे बच्चे की उम्र 22 साल है, जवान बच्चा था, घर का सहारा था और अपनी फैमिली में एक ऐसा वाहिद शख्स था जो अपनी फैमिली का खर्चा चला रहा था। ये लड़का पिछले लगभग 3 दिन से लापता है और इस लड़के की उम्र जो है वो 24 साल बताई जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एज ए सेल्समैन का काम कर रहा था। बेसिकली कलारूस कुपवाड़ा का रहने वाला था और पूरा नाम इरशाद अहमद मुगल बताया जा रहा है इसका। और इरशाद अहमद मुगल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फैमिली बहुत परेशान है। अगर इरशाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो बराए मेहरबानी करके अपनी फैमिली से रब्ता करो और अपने घर वापस लौट कर आ जाओ। और अगरचे इरशाद को किसी ने किडनैप कर लिया है या इरशाद वाकई में पिछले 4 दिनों से किसी गंभीर हालत में है, तो मैं ज़िला इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा, कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब से, कि आप प्लीज़ इरशाद की छानबीन करवाएं, इरशाद की तलाशी अभियान को जो है वो जारी कर दें और इरशाद की वक्ती तौर जो है वो मदद व इमदाद करवाने की पूरी कोशिश करें। नाज़रीन, जितने लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक शख्स पिछले 4 दिन से लापता है और आपके शेयर करने की वजह से शायद वो इंसान अपने परिवार में, अपनी फैमिली में वापस लौट कर आ जाए। डेली तक क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।